अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर, किस तरह की उपलब्धि सिविल लाइन थाना पुलिस को मिली, चूंकि बड़ा पेचीदा केस था, क्या है पूरा मामला? थाना सिविल लाइन क्षेत्र की घटना है। दिनांक 6/9/2023 को एक नाबालिग बालिका की गुमशुदगी के संबंध में सूचना आई थी, जिस पर से थाना सिविल लाइन पर अपराध क्रमांक 479/23 धारा 363 का पंजीबद्ध किया गया था। और बालिका की उम्र जो है वो 14 वर्ष थी। तो लगातार इसमें जो है ना पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें निर्देश इसकी दस्तियाबी के संबंध में दिए जा रहे थे, जिस पर थाना सिविल लाइन पर लगभग 3 टीमों का गठन किया गया और अलग अलग दिशाओं में उन मुखबिर तंत्र के माध्यम से, मोबाइल टावर लोकेशन के माध्यम से जो जो इनपुट मिले उस पर टीम ने काम किया। हमारी एक टीम को छत्तीसगढ़ भी रवाना किया, एक टीम धार, उज्जैन, इस तरह से जो है वो सूचना मिलने पर टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और अंततः जो है वो बालिका की के संबंध में सूचना मिली कि गुना में काला पानी क्षेत्र है, वहाँ पर उसकी हमें लोकेशन मिली और यहाँ से उसे सकुशल दस्तयाब किया गया है। तो जो काला पानी तो आप जिस तरह बता रहे हैं वो एक बड़ा जंगल है, और वहाँ तक पहुँचने में कैसे क्या पुलिस को पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, साथ ही साथ जो है वो मोबाइल सीडीआर का अध्ययन किया गया और उसमें संदेहियों के जो नंबर मिले उनका अध्ययन करके बी पार्टी, सी पार्टी और इस तरह से जो है ना टारगेट अचीव किया गया। सर, कौन कौन लोग थे इसके साथ में? इसमें जो है वो एक आरोपी है अभी गणेश कुमावत, जो यही देवास का रहने वाला है, दुर्गापुरा का, और इसके साथ जो और अन्य 2 लोग हैं जिनके जिनसे गणेश की बातचीत थी, उनकी भी इसमें भूमिका जो है ना वो खंगाली जा रही है और अगर आरोपी ये पाए जाते हैं तो इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।